अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग PNP ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखेंगे, कार्य विधि देखेंगे कि ट्रांजिस्टर कैसे हमारा कार्य करता है। तो पिछले टॉपिक में हम लोगों का NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि हो गई थी, आज हम लोग देखेंगे PNP ट्रांजिस्टर की वर्किंग। बेटा तो एक चित्र बना लिया जाता है पहले, हम लोगों को मालूम है कि जो आधार होता है वो थोड़ा पतला रखा जाता है। तो ये आपका ई है, ये एम है और ये पी। ये हमारा इमीटर है, ये बेस हो गया और ये वाला कलेक्टर सी हो गया, संग्राहक। हम लोग पढ़ चुके हैं कलेक्टर, क्योंकि ये दो पीएम संधियों से, एक पीएम संधि इधर से और एक पीएम संधि इधर से, यानी ट्रांजिस्टर दो पीएम संधियों से मिलकर बना हुआ तीन टर्मिनल वाला, इमीटर बेस कलेक्टर, तीन टर्मिनल वाला युक्ति है। ठीक है, अब हम लोगों को मालूम है कि इमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस पर रखना है, तो बैटरी से हम लोग अब बिना संयोजन के इस पी में हम लोगों को मालूम है कि होल है। पी में क्या होते हैं? होल होते हैं। तो ये होल पर धनात्मक आवेश होता है और इमीटर ही सबको देता है, उत्सर्जक है, यही होल प्रोवाइड कराएगा। और यन में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम लोगों को मालूम है, सबसे कम डोपिंग इसी में करनी है। और कलेक्टर में भी होल है, ये भी पी टाइप का है, पी में होल है। तो ये होल हो गए, हमने बना दिया होल। सबसे ज़्यादा डोपिंग जो है इमीटर जिसको बनाएंगे उसमें करेंगे, उससे कम डोपिंग जो है कलेक्टर में करेंगे, कलेक्टर को वाइडर बनाएंगे, थोड़ा चौड़ा बनाएंगे, और सबसे कम मिलावट जो है आधार या बेस में करेंगे और उसे पतला भी रखेंगे, सबसे पतला और सबसे कम डोपिंग। अब हम लोग पढ़े कि इमीटर और बेस को सदैव फॉरवर्ड बायस पर रखेंगे, तो इसको फॉरवर्ड बायस पर, तो पी को बैटरी के धन से जोड़ना है और ये हो गई आपकी बैटरी भी ईबी। क्या हो? बैटरी भी ईबी, ईबी के बीच में ये सेल या बैटरी लग गई, इसे कहेंगे भी ईबी। अभी हम लोग वायसिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग PNP संधि बनाते हैं बेटा, तो दो संधियां बन जाती हैं और दोनों संधियों में एक को फॉरवर्ड बायस पर और दूसरे के संधि को रिवर्स बायस पर करना है। तो अब इधर भी एक सेल लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं और इधर रिवर्स, तो पी को जब रिवर्स बनाना है तो हम लोग बैटरी के ऋण से जोड़ेंगे और जो इसको एन को बेटा बैटरी के धन से जोड़ देंगे। ऐसे ये हो गया आपका वी सी बी बैटरी। देखिए ना, पी सिरे को हम लोगों ने माइनस किया, तो ये हो गया आपका रिवर्स बायस। तो इधर वाली सर्किट आपकी बोली जाएगी सी बी सर्किट,
कौन सर्किट? सीवी सर्किट। और ये किस वायस में हो गई? रिवर्स वायस में। इधर वाली सर्किट आपकी कौन सी हो गई? ये हो गई बेटा ईवी सर्किट। क्या हो गई? हाँ, ईवी सर्किट। ईवी का मतलब समझ रहे हैं? एमीटर बेस पाइपर। और ये किस वायस में है? फॉरवर्ड वायस। तो हम लोग जो है अपने बैटरी का संयोजन बेटा इस प्रकार से करेंगे कि इमीटर सदैव फॉरवर्ड बायस पर रहे और कलेक्टर रिवर्स बायस पर, ऐसे कर देंगे। यानी ईवी फॉरवर्ड, बैटरी का जब धन पॉजिटिव से पी से जुड़ जाए और बैटरी का नेगेटिव जब एन से जुड़ जाए तो उसे फॉरवर्ड बायस कहेंगे, और यदि पॉजिटिव जो है माइनस से जुड़ गया पी बेटा, समझने के लिए, तो रिवर्स बायस होंगे। अब इसी को यहाँ पर पी एन पी ट्रांजिस्टर का बेस कॉमन है बेटा, तो इसी चित्र को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। अब हर जगह जो है आप ऐसे नहीं बनाएंगे, बेस को यहाँ हम लोग कॉमन कर देते हैं, ये बेस हो गया, यहाँ से आपका ऐसे ये आ गया तीर अंदर की ओर, जिसमें तीर रहेगी वो इमीटर हो गया और दूसरे का सिरा आपका कलेक्टर हो जाएगा। ये कलेक्टर सी हो गया, ये आपका एमीटर हो गया ई, और ये यहाँ से हम लोग निकाल दिए बेस बी। क्लियर हो गया? यहाँ पर बेस कॉमन। अब इस परिपथ को हम लोग जो है ऐसे बना लेंगे, अब इसे हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे। आपका ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? पी एन पी, जिस पर तीर है बाबू वो जो है हमारा इमीटर है, और तीर ये बता रही है कि धारा ऐसे बहेगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको पी को हम लोग बैटरी के धन से जोड़ेंगे और यन बीच वाला आधार यन है उसे बैटरी के माइनस से जोड़ो, ये हो जाएगा आपका ईवी सर्किट फॉरवर्ड बन गया, एकदम ऐसे हो गया, ये फॉरवर्ड बायस बन गया। ऐसे ये भी कलेक्टर हमारा पी है, इसे जो है माइनस से जोड़ देंगे और यन हमारा जुड़ जाएगा बैटरी के धन से, तो ये वाला आपका बन जाएगा रिवर्स सर्किट। ऐसे करना, क्लियर हो गया? अब जनरली जो फॉरवर्ड बायस होता है बेटा उधर हम लोग इनपुट रखते हैं और रिवर्स बायस को आउटपुट, अभी जैसे वहां पर आप लोगों ने देखा। तो पहली पॉइंट क्या करना है बेटा, पहली पॉइंट आपने लिखा कि बैटरी का संयोजन बेटा इस प्रकार से करेंगे कि ईवी परिपथ को फॉरवर्ड बायस पर और सीवी परिपथ को रिवर्स बायस पर। तो लिख लें बेटा, बैटरी का संयोजन इस प्रकार से करते हैं कि ईवी परिपथ या सर्किट फॉरवर्ड बायस पर जबकि
सीबी यानी कलेक्टर बेस परिपथ रिवर्स बायस पर हो, रिवर्स बायस पर हो। क्लियर। अगली पॉइंट आपने लिखा, ऐसा होने पर क्या होगा। ऐसा होने पर इमीटर बेस का विभव प्राचीर जिसे हम लोग कहेंगे संपर्क विभव, अथवा क्या कहेंगे पोटेंशियल बैरियर, अवरोध का जो काम करता है, तो विभव प्राचीर या संपर्क विभव ये वाली, ये है संधि, पी और एन के बीच ये वाली लाइन जो है वो संधि। तो यहाँ का अवक्षय परत और विभव प्राचीर यानी संपर्क विभव अथवा बैरियर पोटेंशियल, ये और आपका अवक्षय परत दोनों लगभग समाप्त हो जाते। फॉरवर्ड बायस होने पर आपने लिखा कि एबी परिपथ क्या होता है, फॉरवर्ड बायस है, तो एबी परिपथ फॉरवर्ड बायस होने के कारण इसका विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर जो है वो और अवक्षय परत, अवक्षय परत जिसे डिप्लेशन लेयर कहते हैं समाप्त हो जाता है। जबकि रिवर्स बायस होने की वजह से सीबी किस बायस में है, रिवर्स बायस में है, तो सीबी के रिवर्स बायस होने के कारण इस संधि का विभव जो प्राचीर विभव है या संपर्क विभव है बेटा वो बढ़ता है, तथा यहाँ वाली अवक्षय परत की चौड़ाई भी बढ़ती है। अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ना मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ना, और अवक्षय परत की चौड़ाई घटना मीन्स अवरोध कम होना। तो इस तरह से सीबी परिपथ वाला जो ये अवक्षय यहाँ पर बनेगी परत, और यहाँ पर जो आपका विभव प्राचीर होगा उसका मान बढ़ता। क्लियर है। अब अगली पॉइंट आप देखेंगे वो लिख लीजिएगा, जबकि सीबी परिपथ का विभव प्राचीर या सीबी का बेटा विभव प्राचीर व अवक्षय परत बढ़ती है। अगली पॉइंट, अब क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होने की वजह से इस बैटरी भी ईबी, बैटरी भी ईबी का धन टर्मिनल एमीटर के होलों को प्रतिकर्षित करता है, जिससे एमीटर के होल में धन आवेश है, धन धन में प्रतिकर्षण होगा, इसलिए होलों को बैटरी का धन ध्रुव या धन टर्मिनल प्रतिकर्षित करता है, जिससे एमीटर के होल इस संधि की ओर चलने लगे। इसी प्रकार इसी बैटरी का ऋण टर्मिनल या ऋण ध्रुव आपके बेस पर जो इलेक्ट्रॉन हैं बेस में, उन इलेक्ट्रॉनों पर ये ऋण टर्मिनल भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इस पर भी ऋण आवेश है, बैटरी का ऋण टर्मिनल इन्हें भी प्रतिकर्षित करता है और ये भी संधि की ओर चलने लगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वह एमीटर की ओर और एमीटर के होल जो है वो जो है बेस की ओर एक दूसरे के विपरीत मूव करने लगे। यहाँ से जो
आपके 100% चाहे जो भी मान लीजिए कि 100 होल चल रहे हैं तो उसमें से 98% होल जो है यहाँ कलेक्टर में यानी इस आधार को पार करके आधार पतला इधर फॉरवर्ड बायस है इधर रिवर्स बायस है तो इस तरह से 98% इमीटर के होल जो है कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं। सिर्फ 2% इसके होल और इसके बेस के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे बैटरी VEB के धन ध्रुव से एमीटर के होल प्रतिकर्षित होकर सल की ओर चलने लगते हैं इसी प्रकार बैटरी का ऋण ध्रुव बेस के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है। बेस के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है जिससे वे उत्सर्जक की ओर चलने लगते हैं। अगली पॉइंट बेटा अब इस तरह से क्या होता है कि हमारे एमीटर के अगर यहां से जितने भी होल चलेंगे बेटा उसमें से 98% होल यहां पहुंच जाते हैं। कितने होल पहुंच जाते हैं? 98%। मान लीजिए यहां से 100% चले तो 100% में से 98% होल इस बेस को पार करते हुए कलेक्टर तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। केवल 2% होल इन बेस के इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है ना भैया? तो एमीटर के 98% होल कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। सिर्फ लगभग 2% होल कामा इलेक्ट्रॉन से बेस वाले इलेक्ट्रॉन से मिलकर उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि 2% जो है आपके इसके होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से संयोग करके उदासीन हो गए। अब वो जो है धारा के प्रवाह में भाग नहीं लेंगे क्योंकि वो उदासीन हो चुके हैं।
अब क्या होगा, जैसे ये प्रक्रिया होगी, जैसे इसका होल इसके इलेक्ट्रॉन से, उनकी संख्या बहुत कम है, जैसे उदासीन होता है तैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक कमी हो जाएगी, और उस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता, बैटरी भी ईबी के ऋण टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका निकलता है ऐसे, और ऐसे इसमें प्रवेश कर जाता है, ठीक है। लेकिन धारा का बहना इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत होता है। इस तरह से जब भी इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो धारा जो है नीचे की ओर बहेगी, इस तरह से धारा आईबी का या बेस धारा आईबी का जन्म हो जाता है, और आईबी इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में यानी नीचे की ओर बहेगी, ठीक। ऐसे ही जो 98% यहाँ पर होल पहुँच गए हैं, उसमें से जब भी होल इस टर्मिनल सी पर पहुँचता है, यहाँ पर यदि होल कोई पहुँचता है, तैसे ही बैटरी भी सी बी के, बैटरी भी सी बी के ऋण टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकलेगा, और वो निकलकर ऐसे होते हुए इसमें जाएगा और इस होल को उदासीन कर देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, लेकिन धारा का बहना जो है ऐसे इलेक्ट्रॉनों के जाने के विपरीत, तो हमारा आईसी कलेक्टर धारा आईसी, और ये प्रक्रिया 98% होलों के साथ होगी, तो आईसी का मान हो जाएगा 98%। कितनी धारा बहेगी, और ये लगभग बहेगी बेटा 2%। क्लियर हो गया। जब जब बेटा इस टर्मिनल सी पर होल पहुंचता रहेगा, तब तब आपके बैटरी भी सी बी के ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल निकल कर और इसे मिलकर उदासीन करते रहेंगे, धन और ऋण में आकर्षण होगा, इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलकर और होल से मिलकर उसे उदासीन करते रहेंगे। इस तरह से बैटरी भी सी बी के ऋण टर्मिनल से लगातार इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे ऊपर की ओर, लेकिन धारा बहेगी नीचे की ओर। इस तरह से इस कलेक्टर से धारा जो बहेगी उसे हम लोग आईसी कहेंगे या कलेक्टर धारा कहेंगे, और ये प्रक्रिया 98% होलों के साथ लगातार होती रहेगी, लगातार होती रहेगी। इस तरह से कलेक्टर धारा आईसी जो है बेटा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर की ओर, धारा बहेगी, तो ये हमारी धारा ऐसे बहेगी। क्लियर हो गया। अब फिर से समझिए, जब जब बेटा यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन जो 2% एक दूसरे को संयोग करके अनावेशित कर रहे हैं, तब भी, और जैसे यहाँ पर आपके कलेक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन मिलकर एक दूसरे को अनावेशित कर रहे हैं, तब भी दोनों दशाओं में इस एमीटर का ससंयोजक बंध टूटे। जब जब आपका जो है बेटा होल और बेस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार करते समय एक दूसरे को उदासीन करते हैं, उनकी संख्या कम है, मात्र 2% है, 98% इस बेस को पार करके कलेक्टर तक पहुँचने में सफल हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके उदासीन कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि बैटरी में कोई आवेश नहीं, बैटरी बेटा जस्ट लाइक टुल्लू है। आपको बताया गया कि टुल्लू आपका पानी बढ़िया देता है, लेकिन कहीं टुल्लू में पानी नहीं होता, पानी आपके कुएं में है, तालाब में है, बोरिंग में है, वहाँ से टुल्लू जो है सेंट्रीफ्यूगल बल लगाकर केवल उस पानी को या पानी के अणुओं को हम तक पहुँचाता है, तो हम कहते हैं टुल्लू हमारा बहुत बढ़िया पानी दे रहा है, जबकि पानी उसमें नहीं है। वैसे ही बैटरी हम लगाते हैं तो धारा प्रवाहित होती है, लेकिन बैटरी में कहीं धारा है नहीं, धारा का मतलब इलेक्ट्रॉन, आवेश, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं,
तो सेल में कोई धारा है नहीं, सेल भी क्या लगाता है विद्युत वाहक बल लगाता है जिसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं, बाद में वही वोल्टेज। तो जैसे वो बल लगा रहा है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल बल लगा रहा है आपका टुल्लू पानी के अणुओं पर, वैसे ही बैटरी भी क्या कर रही है विद्युत वाहक बल लगाती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन परिपथ में दौड़ते। जैसे पानी का स्रोत कहीं और है केवल टुल्लू अलग से बल लगा रहा है, वैसे इलेक्ट्रॉनों का और होलों का स्रोत ये हमारा पीएनपी है, उस पर ये बैटरी केवल अपना विद्युत वाहक बल लगा रही, अपना वोल्टेज लगा, इसके अंदर कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं, वो सब यहाँ। जैसे पानी तालाब में, तो अब लेकिन बात ये आती है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पहुँचा, ऐसे ही यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लगातार जो है बैटरी के ऋण टर्मिनल से लगातार इलेक्ट्रॉन निकलकर 98% होलों को अनावेशित कर रहे हैं, लगातार अनावेशित कर रहे हैं, इस तरह से धारा आईसी का जन्म हो जा रहा है और इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहे हैं, धारा नीचे की ओर बहती हुई आपको परिपथ में दिखाई दे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धारा का बहना इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत होता है अथवा धन आवेश के बहने की दिशा में होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहे हैं अनावेशित कर, तो दोनों जगह अनावेशित हो रहे हैं, यहाँ 2% होल अनावेशित हो रहे हैं, यहाँ 98% होल अनावेशित हो रहे हैं। तो उनको अनावेशित करने के लिए बेटा आपको बताया गया कि जब जब यहाँ के 2% होल अनावेशित होंगे, यानी बेटा होल व इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मिलकर उदासीन करेंगे, अथवा कलेक्टर टर्मिनल पर जब जब होल और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके एक दूसरे को अनावेशित करेंगे, तब तब आपके एमीटर में सहसंयोजक बंध, एक एक सहसंयोजक बंध टूटता है, और जब सहसंयोजक बंध टूटेगा तो क्या होगा, होल और इलेक्ट्रॉन मुक्त। जो होल रहेंगे बेटा वो जो यहाँ से होल भेज रहा है लगातार, उन होलों की ये पूर्ति करेगा। जो होल उदासीन हो रहे हैं यहाँ, उन होलों की पूर्ति इस आपके उत्सर्जक में होती रहेगी, वो होल इस उत्सर्जक में बने रहेंगे और बैटरी का धन सिरा लगातार उनको आगे ऐसे भेजता रहेगा। तो होल तो यही रहेंगे, होल इसमें इकट्ठा होंगे, और जो इसके साथ बेटा ऋण आवेश मुक्त होंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, उन्हें जो है बैटरी का धन सिरा खटाक दे नीचे की, धन को दूर ढकेलेगा और ऋण को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बैटरी का धन सिरा अपनी ओर खींचेगा। किस बैटरी का, VEV का। और जब इन्हें खींचेगा बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन उतर कर ऐसे नीचे की ओर आएंगे, यही इलेक्ट्रॉन जो है अब उतर कर बेटा ये ऐसे नीचे की ओर आएंगे, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आएंगे, लेकिन धारा का बहना हाँ अब इधर की ओर माना जाएगा, ये ऐसे। तो ये हो गई IE, इमीटर धारा IE का इस तरह से हमारा जो है जन्म हो गया, या ऐसे जो है एमीटर धारा बढ़ती। तो ये एमीटर धारा आप देख रहे हैं अंदर की ओर जा रही है, कैसे जा रही है, तो यही है एमीटर धारा, देखिए अंदर की ओर जा रही है, क्लियर हो गया। तो अब इस तरह से एमीटर धारा एमीटर ही देता है बेटा, तो ये अगर 100% चल रही है यहां, तो यही वाले इलेक्ट्रॉन जो लगातार बेटा यहाँ पर अब आपके लगातार सहसंयोजक बंध टूटते रहते हैं, लगातार जो है इलेक्ट्रॉन और होल मुक्त होते रहते हैं, होल जो है इस एमीटर में जो होल की कमी हो रही है उसकी पूर्ति करते रहते हैं, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हमने जो है माइनस चिन्ह बना दिया बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को बैटरी VEV का धन टर्मिनल नीचे की ओर खींचता रहता है, और ये नीचे की ओर उतरते रहते हैं, धारा का बहना ऊपर की ओर ऐसे जो है होता रहता है। यही इलेक्ट्रॉन निकल कर जैसे एक यहाँ पर उदासीन होगा बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऋण टर्मिनल से निकल कर यहाँ बेस में पहुँचेंगे,
और वही इलेक्ट्रॉन फिर इस बैटरी के धन टर्मिनल से खींच लिए जाते हैं और इस ऋण टर्मिनल से होते हुए यहाँ लगातार पहुँचते रहते हैं। इस तरह से यहाँ से बेटा 100% आपका जो है होल, और ऐसे उनको उदासीन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे लगातार पहुँच रहे हैं। इस तरह से हमारा एमिटर जो है उसका नाम है उत्सर्जन, यानी वही उत्सर्जन करें, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई, यहाँ तक तो अच्छी तरह समझ में आया कि भाई बैटरी भी ईवी का धन टर्मिनल होल को प्रतिकर्षित करेगा, जिससे उत्सर्जक या एमिटर के 98% होल हमारे जो है आधार को पार करते हुए संग्राहक में अथवा कलेक्टर में पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही आपका यहाँ पर 98% होल पहुँचते हैं और उसमें से होल जैसे सी टर्मिनल पर पहुंचता है यहाँ पर, वैसे ही बैटरी भी सीवी के ऋण टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा और इस होल को उदासीन कर, ऐसे ही दूसरा पहुंचेगा, यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, उसे उदासीन करेगा, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इलेक्ट्रॉन बराबर यहाँ चलते रहते हैं और धारा इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत बहती है। इस तरह से कलेक्टर धारा आईसी का जन्म हो जाता है और ये 98% ऐसे बहती है। अब जो है जैसे ही होल इनको पार करता है, तो आपने पढ़ा कि होल और बेस के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिलकर उदासीन भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या मात्र 2% है। तो जब यहाँ पर उदासीन हुए पार करते समय होल और इलेक्ट्रॉन मिलकर उदासीन होते हैं तब भी, और जब बेटा कलेक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन मिलकर एक दूसरे को उदासीन करते हैं तब भी, दोनों अवस्थाओं में इस एमीटर का सहसंयोजक बंध लगातार टूटता रहेगा और इससे होल और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते रहेंगे। होल जो है इसमें इमीटर में होल की कमी को पूरा करता रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसे बैटरी भी ईवी का धन सिरा अपनी ओर खींचता रहता है। इस तरह से लगातार इलेक्ट्रॉन उतर कर बैटरी भी ईवी में आते रहते हैं और एमीटर धारा आईई जो है ऊपर की ओर दिखाई गई चित्र में की बाती है। क्लियर हो गया। और वही इलेक्ट्रॉन बेटा जो यहाँ उतर रहे हैं वो लगातार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहे हैं और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण टर्मिनल से निकल रहे हैं कलेक्टर में जा रहे हैं, उनको भी यही आपका इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रही है। इस तरह से आपका जो है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर निरंतर और लगातार यही प्रक्रिया चलती रहती है और इस तरह से धारा बहती रहती है। अब आप देखेंगे कि अंदर जो होल चल रहा है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या है कि अंदर जो है बेटा होल के चलने के कारण धारा बढ़, लेकिन बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन चल रहा है। देखिए ना, यहाँ भी 98% इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2% और यहाँ जो है 100% इलेक्ट्रॉन उतर, वहीं यहाँ भी 2% इलेक्ट्रॉन भेज रहा है और यहाँ 98% इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप कहेंगे कि आई ई बराबर हो गया आई बी प्लस आई सी। आई ई ने दिया बेटा अगर 100% धारा, तो ये इसका मान है 2% और इसका मान है लगभग 98%। क्लियर हो गया। ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी कि कैसे जो है बेटा अंदर धारा किसके कारण बह रही है, होल चल रहा है, लेकिन बाह्य परिपथ में धारा सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का। तो यह प्रक्रिया बेटा अनवरत चलती रहती है और हमारा ट्रांजिस्टर ऐसे काम करता है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।